अस्सलाम वालेकुम फेलोस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हरिया से होंगे। ये मेरे पीछे जो जगह है ये है प्लाइया कतलूनिया, और प्लाइया या प्लासा कतलूनिया, ये बड़ी फेमस जगह है। बार्सिलोना की सेंटर है एग्जैक्टली शहर का, और यहाँ से जो मशहूर पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है ला रमला, जो बार्सिलोना की बहुत ही फेमस स्ट्रीट है, वो यहाँ से शुरू होती है और तकरीबन जाती है वो जाती है चाचे कोलंबस के स्टैचू तक जाती है, वहाँ पे जाके वो फिनिश हो जाती है। तो अभी इसका मैंने लेना है टूर, वॉक करेंगे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। हालांकि कोविड है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है, और उसके जो फैक्ट्स हैं वो ड्यूरिंग द वॉक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उसको जो है भरपूर जो है इंजॉय करेंगे हम। ये पिजन ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल पालतू हैं। लोग ये जब बच्चे इनको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भागते नहीं हैं, उड़ते नहीं हैं, छोटी छोटी फ्लाइट लेके तो बैठ जाते हैं, कभी उधर से इधर तो इधर से उधर। ये बच्चे भी कोशिश कर रही है लेकिन वो उठते नहीं है बिल्कुल, फिर उधर ही जाकर बैठ जाते हैं। इस स्क्वायर में मैंने एक बात देखी है कि बहुत ज़्यादा पिजन है, जो कि लोगों से काफ़ी फेमिलियर है, इंसानों से वो बोझल नहीं होते, इंसानों की मूवमेंट से आने जाने से जहाँ पे दाना मिलता है वहीं पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर वो पास आता भी है तो उसे वो बोझल नहीं होते, बिल्कुल बैठे रहते हैं, और थोड़ा सा फ्लाई करके कभी इधर बैठ जाते हैं तो कभी उधर बैठ जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की बात है। ये प्लासा कतलूनिया की मेन जगह है, और यहाँ पे भी ये एक स्पॉट बनाया है उन्होंने जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ अपनी जो आज़ादी है उन्होंने दी हुई है कि आपको आज़ादी है जनाब, अपनी ओपिनियन, अपनी जो विल है, जो अपनी जो डिज़ायर है उसको आप उसका ये इजहार कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसी सिलसिले में यूक्रेन में इजहार यकजहती के लिए ये इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है, यूक्रेन के झंडे लगाए हुए हैं, और ये जो जंग में मेरा ना वो हुए हैं वाकया या फौत हुए हैं उनकी ये इन्होंने लगाई हुई हैं, डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। Thank you.